हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल AR क्लासेस में। मैं राजेश पांचाल आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 5th जो कि रहने वाले है काफ़ी इंपॉर्टेंट। आपके 153 तक क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आपकी ये 2000 प्लस सीरीज चल रही है जो कि NTPC ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। प्रीवियस ईयर बेस ज़्यादा रहने वाला है और आपको एडवांस क्वेश्चन जो भी रहेंगे वो आपको करवाए जाएंगे। साथ ही साथ आपको साइंस एंड मैथमेटिक्स भी करवाया जाएगा। जल्दी आपकी रीजनिंग और करंट अफेयर भी चलने वाली है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 154 क्वेश्चन नंबर है, टमाटर क्या है? टमाटर बच्चों आपका बेसिकली फल होता है, लेकिन हम इसे क्या कहते हैं, सब्जी में करते हैं। टमाटर खाने वाला भाग क्या होता है? फल भित्ति और बीजांडसन होता है। टमाटर में अगर आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि टमाटर में क्या पाया जाता है, लाइकोपिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? कौन सी बनती है भूकंप का कारण? ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट का कारण पृथ्वी के गर्भ में हलचल होती है जिससे गर्भ पदार्थ बाहर आता है, यानी गर्म पदार्थ बाहर आता है। भूकंप के उद्गम स्थल को क्या कहा जाता है? केंद्र कहा जाता है, सेंटर कहा जाता है। भूकंप पृथ्वी के जिस स्थान पर प्रथम बार उत्पन्न होता है उसे अभिकेंद्र कहा जाता है। और अगर भूकंप की तीव्रता मापने के लिए यूज किया जाता है रिएक्टर स्केल का, यानी रिएक्टर पैमाने का। और सिस्मोलॉजी भूकंप के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DPT वैक्सीन में पी किसको संदर्भित करता है? अब पी किसको संदर्भित करता है? पर्टुसिस को संदर्भित करता है। DPT का पूरा जो विस्तृत नाम है वह है डिप्थीरिया पर्टुसिस और टेटनस, टेटनस टैक्सोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? अब पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध पर आपका वजन कितना किलोग्राम होगा? पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलोग्राम है तो बुध पर आपका वजन क्या होगा? 14.3 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित करता है? तो कौन विभाजित करता है? अपवर्तन, यानी आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश प्रकंद यानी रिजोम का एक उदाहरण है, तो क्या है इसका आंसर? आपका अदरक। हल्दी प्रकंद का उदाहरण है। आलू कंद का भाग खाते हैं, कंद भी भूमिगत तने का ही एक उदाहरण है। मूसला जड़ों का उदाहरण कौन कौन से हैं? गाजर, सलजम, मूली आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? सितारों पर। चंद्रशेखर भारतीय मूल के अमेरिका के नागरिक हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे? कौन मनोवैज्ञानिक थे? राइट आंसर क्या रहने वाला है? सिगमंड इज राइट आंसर। सिगमंड फ्रॉयड एक क्या थे? मनोवैज्ञानिक थे। बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? तो कब किया गया था? 1989 में बर्लिन की दीवार को ध्वस्त किया गया था। जर्मनी उत्तरी एवं दक्षिणी दो भागों में बट गया था। उत्तरी जर्मनी एवं दक्षिणी जर्मनी को दो भाग में प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूमामी क्या है? यूमामी क्या है? एक स्वाद का प्रकार है। यूमामी एक स्वाद का प्रकार है। स्वाद का पत्ता जीभ यानी जीवा पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है इसका राइट आंसर?
सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है? फिल्म निर्देशन के लिए किसने ऑस्कर जीता है? ए आर रहमान ने। निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है? तो गाइस आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? सत्यजीत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? तो किसके अधिकतम पैर होते हैं? सहस्त्रपाद यानी मिली पेड़े। किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो किसने जीते हैं? रोजर फेडर ने। सीज राइट आंसर। लीमर क्या है? अब लीमर आपके पास राइट आंसर क्या है? मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर आपका लेमर कहलाता है। मेडागास्कर हिंद महासागर में अवस्थित है। मेडागास्कर हिंद महासागर में अवस्थित सबसे बड़ा द्वीप है, जहां पर क्या पाया जाता है? लेमर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? नेगेटिव होता है। प्रोटॉन में पॉजिटिव और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, तो सकारात्मक आपका क्या हो जाएगा? प्रोटॉन हो जाएगा। प्रोटॉन आपका पॉजिटिव सकारात्मक आवेश होता है इसमें। लास्ट सफर किसने चित्रित किया था? लास्ट सफर किसने किया था? लियोनार्डो दा विंसी ने। ज्यामिति का जनक किसको कहा जाता है? ज्यामिति का जनक किसको कहा गया? पाइथागोरस को। और पाइथागोरस कौन थे? यूनान के महान दार्शनिक थे। पाइथागोरस का समय 6ठी सदी ईसा पूर्व था। रामानुजन भारत का महान गणितज्ञ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो हजार बारह के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो कितने पदक जीते थे? राइट आंसर बताइए इसका। 6 पदक जीते थे। वर्तमान दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी थी? वर्तमान दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा। और बुर्ज खलीफा आपका कहाँ पे निर्मित? सऊदी अरबिया में। अब हालांकि आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा सबसे ऊंची मानी जाती है। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग करती है? चित्राक्षरों का उपयोग कौन सी भाषा करती है? जापानी, यानी चित्र फॉर्म में बनाया जाता है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये बना दिया ऐसे करके, ये चला गया, ये बना देते, इस तरह का आपका चित्रात्मक का उपयोग करते हैं जैपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृति शब्दकोश कौन सा है? तो प्राचीन संस्कृत शब्दकोश आपका कौन सा है? अमरकोश। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य किस राज्य में मौजूद था? किसका? कामरूप का। तो कामरूप का आपका क्या राइट आंसर रहने वाला है? असम का। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य किस राज्य में मौजूद था? असम में। शब्द रेडार किससे व्युत्पन्न है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, यानी डी इज राइट आंसर। रेडार क्या करता है? रेडार में यानी सर्च करने का काम करता है, एक तरह से ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आता है कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बेकिंग सोडा क्या है? तो बेकिंग सोडा का आपका क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जो यूज करते हैं घरों में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वेज नहर यानी स्वेज कैनल भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? तो किस सागर से जोड़ती है? लाल सागर से।
स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? स्वेज नहर का निर्माण हुआ था 1969 में, और इसकी औसतन गहराई कितनी है? 16.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है, यानी रिटायर होने की उनकी एज अधिकतम कितनी होती है? 65 ईयर्स। कैग जो कैग होता है, सेवानिवृत्ति की आयु 65। सीईसी की सेवानिवृत्ति की आयु 65। विश्वविद्यालय शिक्षकों के सेवानिवृत्ति की आयु भी 65 होती है। और अगर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की न्यूनतम उम्र की कोई भी सीमा नहीं होती। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2015 किसे घोषित किया गया था? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे किया गया था? एंजेला मार्कल को। और टाइम्स क्या है? अमेरिका की पत्रिका है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो किसके द्वारा दिलाई जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। अगर ये दोनों पद पे ना हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश इनके पद को संभालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले पहिए किससे बने थे? अब सबसे पहले पहिए किससे बने थे? लकड़ी से बने होते थे, क्योंकि उस टाइम कुछ औजार वगैरह नहीं थे तो लकड़ी से बने थे। नवपाषाण काल में क्या बना था? मृद भांड का चक्का बनाया गया था। इसके बाद लकड़ी के पहिए का निर्माण हुआ। आगे चलकर लकड़ी के पहिए के बाहरी आवरण को किसमें? लोहे की परत पर लगाया गया, यानी लोहा चढ़ाया जाता था। निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? क्रिप्टोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो किससे बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को घटाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को कौन सी घटाती है? प्रकाश संश्लेषण, यानी फोटो सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? तो कितने साल पुरानी मानी जाती है? 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। भीमबेटका कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। कहाँ पे? रायसेन जिले में, जो कि कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका और होशंगाबाद के आदमगढ़ से शैल चित्रकारी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालविका गनीमित्रम किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? कालिदास ने। डी इज राइट आंसर। अभिज्ञान शाकुंतलम भी कालिदास के द्वारा महानतम नाटक लिखा गया था। कालिदास, ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवंश आदि पुस्तकें भी इन्होंने लिखी है। ये चंद्रगुप्त के नवरत्न में शामिल थे। कौन? कालिदास। कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? तो कौन सी नदी बहती है? कावेरी नदी, यानी सीज राइट आंसर। कावेरी नदी जल विवाद काफी विवादित रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस व्यक्ति ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन है? माइकल फिलिप्स। माइकल फिलिप्स यानी बी इज राइट आंसर। रियो ओलंपिक में मिलाकर उन्होंने 23 पदक जीत चुके हैं। यूएसए के तैराकी के खिलाड़ी हैं। उसेन बोल्ट जमैका का धावक है। उसेन बोल्ट ने बीजिंग, लंदन एवं रियो ओलंपिक में 100, 200, 300 मीटर में दौड़ जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था, और 3 ओलंपिकों में तीन तीन स्वर्ण पदक भी जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के चुनाव आयुक्त कौन है? डॉक्टर नसीम जैदी।
मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? रामा देवी। टी एन शेषन के समय में अक्टूबर 1993 ईस्वी से चुनाव आयोग बहुसदस्यीय हो गया था। अनुच्छेद 324 से 329 क्या तक निर्वाचन से संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो जीका वायरस किससे होता है? मच्छर द्वारा फैलता है। जीका वायरस क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से होता है। तो जीका वायरस किससे होता है? क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से। जीका वायरस गर्भावस्था में बच्चे को संक्रमित कर सकता है। यह सबसे अधिक मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ब्राजील में आपातकाल की घोषणा इसी के कारण की गई थी। और यह रोग दक्षिण अमेरिका में अफ्रीका में भी बहुत ज़्यादा फैला गया था। WHO ने चौथी बार अपने कार्यकाल में आपातकाल की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफीन क्या है? तो ग्राफीन का क्या है बताइए, ग्राफीन क्या है आपका? ये क्या है? कार्बन का अवरूप है, अपरूप है कार्बन का। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। इसका अपेक्षित घनत्व 2.2 है। परमाणु भट्टी में इलेक्ट्रोड के रूप में कार्बन आर्क बनाने आदि में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। और हीरे में क्या होता है? पूर्णांक परावर्तन होता है। हीरे का अपवर्तनांक की बात की जाती है तो 2.414 होता है। कुछ हीरा काला होता है जिसे बोट भी कहा जाता है। बोट हीरा शीशा काटने में प्रयोग किया जाता है। तो गाइस ये थी आपकी 5th क्लास। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, इसकी PDF मिलेगी और आप डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ वहाँ पे। और अभी साथ में ही आपके अंजलि मैम की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है जो कि आपकी रहने वाली है मैथमेटिक्स की। प्रिया मैम की क्लास स्टार्ट होने वाली है जो कि आपकी रहेगी साइंस की। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक यू।